नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का फार्मा मूवमेंट यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे बीएमआर कैसे प्रिपेयर करते हैं, कौन कौन से कंटेंट होते हैं हेडर के, कौन कौन से कंटेंट होते हैं फुटर पार्ट के, और बॉडी में क्या क्या कंटेंट्स होते हैं किसी भी बीएमआर में। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जानते हैं कि बीएमआर होता क्या है। बीएमआर बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड, जो कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड एक रिटेन डॉक्यूमेंट होता है जो कि प्रिपेयर किया जाता है किसी भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को लिखने के लिए। बीएमआर जो होता है वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में किसी भी बैच को बनाने के लिए प्रिपेयर किया जाता है। जो बीएमआर होता है उसमें मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस जो है स्टेप बाय स्टेप लिखा होता है कि कैसे परफॉर्म करना है, बैच को कैसे बनाना है, होल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप लिखा होता है। और जो ऑब्जर्वेशंस होती हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में ऑब्जर्वेशंस होती हैं, जैसे कि टाइमिंग और इक्विपमेंट्स के जो है रीडिंग्स जो भी होती हैं, वो सारी चीज़ें उनमें लिखना होता है। तो इस तरीके से एक रिटेन डॉक्यूमेंट तैयार होता है जिसे हम बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड कहते हैं, जो कि जिसके पार्ट्स होते हैं बैच रिकॉर्ड, जिसमें कि सारी डिटेल्स होती हैं कि मैन्युफैक्चरिंग कब होनी है, एक्सपायरी कब है बैच की, और डिटेल्स होती हैं जो कि हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे अपने पीसी पे लेके चलेंगे। अभी आपको वहाँ पर समझाएंगे कि एक बीएमआर कैसे प्रिपेयर किया जाता है, उसके हेडर में कौन कौन से कंटेंट्स होते हैं, कौन कौन सी चीज़ें लिखी जाती हैं, और उसके बॉडी में कौन कौन से कंटेंट्स होते हैं, और उसके फुटर में क्या क्या होता है। ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। सो कुछ इम्पोर्टेंट पार्ट्स बता देते हैं जो कि बॉडी में होते हैं बीएमआर की बॉडी में। जैसा कि बीएमआर के तीन पार्ट, हेडर, बॉडी और फुटर होता है। सो जो बॉडी होती है उसमें बैच रिकॉर्ड, जनरल इंस्ट्रक्शन फॉर मैन्युफैक्चरिंग, इक्विपमेंट एंड एरिया क्लीनिंग रिकॉर्ड, बिल ऑफ मटेरियल, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, यील्ड रिकंसिलेशन, ये कुछ स्टेप्स होते हैं। फ्रेंड्स, की कंपोनेंट्स ऑफ बीएमआर कौन कौन से होते हैं, वो बैच नंबर एंड प्रोडक्ट डिटेल्स, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड इंस्ट्रक्शन, इक्विपमेंट एंड फैसिलिटीज यूज, और रॉ मटेरियल्स एंड क्वान्टिटीज जो कि यूज होनी है बीएमआर में, और इन प्रोसेस कंट्रोल एंड क्वालिटी कंट्रोल्स रिजल्ट्स, डिविएशन मैनेजमेंट एंड करेक्टिव एक्शंस, ये सारी चीज़ें होती हैं। ये कंपोनेंट बैच नंबर एंड प्रोडक्ट डिटेल्स कि कौन सा प्रोडक्ट बना रहा है, कौन सा एपीआई उसमें यूज होना है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या है, उसमें कौन कौन से इंस्ट्रक्शंस हैं, क्या प्रिकॉशंस लेनी है, कौन कौन से इक्विपमेंट्स यूज होने हैं, किस फैसिलिटी में बनाना है, कौन से एरिया में बनाना है, कौन कौन सा रॉ मटेरियल यूज होगा, क्या एक्सीपिएंट यूज होंगे, कितनी क्वांटिटी में यूज होंगे, और उनमें इन प्रोसेस क्या क्या होगा, इन प्रोसेस कंट्रोल्स पैरामीटर क्या होंगे, क्वालिटी कंट्रोल्स के रिजल्ट्स क्या होंगे, और डिविएशन मैनेजमेंट कैसे होगा, एंड करेक्टिव एक्शंस कैसे होंगे, ये सारी चीज़ें बीएमआर में के की कंपोनेंट्स होते हैं। किसी भी बीएमआर को बनाने का फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में रोल क्या होता है, क्या पर्पज होता है। सो फ्रेंड्स, प्रोडक्ट की क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए, इंश्योर करने के लिए, कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए क्वालिटी की, इस बीएमआर को प्रिपेयर किया जाता है। कंप्लायंस और ट्रेसबिलिटी के लिए बीएमआर को प्रिपेयर किया जाता है। सपोर्टिंग क्वालिटी कंट्रोल, फैसिलिटीज ऑडिट एंड इंस्पेक्शंस के टाइम्स बीएमआर इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, और इन्हेंसिंग पेशेंट सेफ्टी के लिए भी ये बीएमआर जो है एज ए डेटा, एज ए रिकॉर्ड वर्क करता है। सो फ्रेंड्स, आइए अब चलते हैं लैपटॉप के स्क्रीन पे, जहाँ पर आप लोगों को हम सिखाएंगे कि कैसे भी कि कोई भी बीएमआर कैसे प्रिपेयर किया जाता है, उसका हेडर में क्या होता है, बॉडी में क्या होता है, और फुटर का पार्ट क्या होता है। सो फ्रेंड्स, आइए चलते हैं। फ्रेंड्स, अब हम लोग आ गए हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे। अभी हमने खोल लिया है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। जैसा कि हम लोगों को पता है कि कोई भी बीएमआर जो प्रिपेयर किया जाता है वो किसी न किसी एसओपी का के अंतर्गत प्रिपेयर किया जाता है,
क्यूएक एसओपी के अंतर्गत प्रिपेयर किया जाता है, उसका कोई ना कोई फॉर्मेट नंबर होगा जिस फॉर्मेट के अंतर्गत वो बनाया जा रहा है वो बीएमआर, और वो बीएमआर किस तरीके से बनाया जाएगा, उसका स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या है, उस एसओपी में मेंशन होता है कि उसका हेडर कैसा होगा, फुटर कैसा होगा, उसका बॉर्डर कैसा होगा, उसकी लेंथ विड्थ कैसी होगी, उसके अंदर जो लेटर होंगे वो कौन से साइज के होंगे, बोल्ड होंगे, इटैलिक होंगे, उनका साइज क्या होगा, उनका कलर क्या होगा, और उन पे जो लाइन की स्पेसिंग होगी वो क्या होगी, ये सारी चीज़ें उस एसओपी में मेंशन रहता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी बीएमआर बनाने के लिए हमें किस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करना होगा, उसमें जो है बॉर्डर सबसे पहले क्रिएट करना होगा। तो बॉर्डर क्रिएट करने के लिए डिजाइन पे हमें जाना होगा। डिजाइन पे जाने के बाद ये लेफ्ट कॉर्नर में बॉर्डर का ऑप्शन दिख रहा है, बॉर्डर पे आएंगे और यहाँ से सिलेक्ट करेंगे कि हमें कैसा बॉर्डर लेना है, उसकी विड्थ कैसी होगी। तो एक हमने देखिए बॉर्डर लगा दिया इस पे, ऐसा हमें बॉर्डर चाहिए। एसओपी में मेंशन होता है कि इनकी विड्थ कितनी होगी, इनकी स्पेसिंग कितनी होगी, लेफ्ट साइड की, राइट साइड की। अब ये बॉर्डर लग गया है, बॉर्डर लगाने के बाद हमें हेडर और फुटर लगाना होता है। तो इंसर्ट पे जाएंगे, इंसर्ट पे जाने के बाद हेडर सेट करेंगे, हमें कैसा हेडर चाहिए उस हिसाब से। यहाँ पर देखिए बहुत सारे हेडर हैं, अकॉर्डिंग टू एसओपी हम हेडर सेलेक्ट कर सकते हैं। हेडर का भी स्पेस कितना होगा, टॉप का कितना स्पेस होगा और फुटर का बॉटम का स्पेस कितना होगा, वो एसओपी में मेंशन होता है। इसके बाद जो है हेडर और फुटर सेट करने के बाद इसकी बॉडी सेट करनी होती है, और इन ये जो हेडर और फुटर हैं, जो बॉडी है, इनके अंदर जो कंटेंट फिल होगा वो, उसके अंदर कौन से लेटर होंगे, लेटर का साइज क्या होगा, वो एरियल होगा या न्यू टाइम्स रोमन के लेटर होंगे, उनका साइज क्या होगा, उनका कलर कैसा होगा, उनके बीच में जो लाइन की स्पेसिंग होगी वो कितनी होगी, 1 होगी, 1.15 होगी, 1.5 होगी, ये सारी चीज़ें एसओपी में मेंशन होती हैं। सो फ्रेंड्स, कुछ इस तरीके से एसओपी की के अकॉर्डिंग बीएमआर का प्रिपरेशन होता है। बीएमआर प्रिपरेशन में जो है फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देख लेते हैं कि हेडर में क्या क्या कंटेंट होते हैं। तो ये अपना हेडर का पोर्शन है, लेफ्ट साइड के कॉर्नर पे देखिए यहाँ पर कंपनी का लोगो, कंपनी का मार्क होता है, और मिडिल में जो है कंपनी का एड्रेस, कंपनी का नाम, और राइट साइड कॉर्नर में जो है स्टाम्प लगी होती है। बीएमआर प्रिपेयर करने के लिए अब हमें मान लीजिए उसके अंदर जो कंटेंट फिल करना है हेडर पे, उसके लिए अगर हमें इंसर्ट करानी है किसी प्रकार की टेबल, तो इंसर्ट कराने के लिए सिंपल सा प्रोसेस है। इंसर्ट में जाएंगे, यहाँ से टेबल पे जाएंगे, टेबल से टेबल सेलेक्ट कर लेंगे, ये आ गई टेबल। तो कुछ इस तरीके से टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। टेबल इंसर्ट करने के लिए उसमें इंसर्ट करने के बाद उसमें जो कंटेंट मेंशन करना है वो मेंशन कर सकते हैं। जैसा कि हमने लिखा है, बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड, जेनरिक नेम एटोरवास्टेटिन कैल्शियम टैबलेट्स यूएसपी 20 mg, फिर बीएमआर नंबर उस पर होता है, बीएमआर नंबर, बैच नंबर, पेज नंबर, कुछ इस तरीके से मेंशन किया जाता है हेडर पे। इसी तरीके से फुटर पे प्रिपेयर्ड बाय प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, रिव्यूड बाय प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, रिव्यूड बाय क्वालिटी एश्योरेंस, अप्रूव्ड बाय क्वालिटी एश्योरेंस, इसमें साइन विद डेट, नेम, डिजिग्नेशन और डिपार्टमेंट होता है। फुटर के नीचे फॉर्मेट नंबर होता है जिसमें किस एसओपी के अंतर्गत वो बनाया जा रहा है, कितने कौन सा फॉर्मेट नंबर से वो मेंशन किया जाता है। अब किसी भी बीएमआर के तीन जो पेज होते हैं उनके तीन पार्ट होते हैं, हेडर, फुटर और बॉडी। अब हम लोग बॉडी पे चलते हैं कि बॉडी में क्या क्या मेंशन किया जाता है। बीएमआर के फर्स्ट पेज की जो बॉडी होती है उस पे जो है प्रोडक्ट की डिटेल मेंशन की जाती है, प्रोडक्ट कोड, बीएमआर सुपर सेड नंबर, सेल्फ लाइफ ऑफ प्रोडक्ट, इफेक्टिव बैच नंबर, मैनुफैक्चरिंग डेट, बैच साइज, मैनुफैक्चरिंग लाइसेंस, MFR नंबर, रीजन फॉर इशू, चाहे प्रोसेस वैलिडेशन का बैच हो या कमर्शियल बैच हो,
वो चीज़ें मेंशन की जाती हैं, इफेक्टिव डेट, एक्सपायरी डेट, बैच का साइज कितना है, लेबल क्लेम क्या है, जैसा कि मैंने लिख रखा है ईच फिल्म कोटेड टैबलेट कंटेंस एटोरवास्टेटिन कैल्शियम यूएसपी इक्वलेंट टू एटोरवास्टेटिन 20 mg, डिस्क्रिप्शन कैसी टैबलेट्स बनेगी, स्टोरेज कंडीशन क्या होगी, स्पेशल कोई इंस्ट्रक्शन है तो वो, BMR इशू किसने किया, रिसीव्ड किसने किया, साइन विद डेट, कौन कौन सी स्टेज उस BMR के अंदर होंगी, उस प्रोडक्ट के अंदर, वो बैच मैन्युफैक्चरिंग जो रिकॉर्ड होगा, वो जो प्रोडक्ट बन रहा होगा उसमें कौन कौन से स्टेप होंगे, उसकी कौन कौन सी स्टेजें होंगी, जैसे कि डिस्पेंसिंग स्टेज, ग्रेनुलेशन स्टेज, ब्लेंडिंग स्टेज, कंप्रेशन, कोटिंग और इंस्पेक्शन स्टेज। ये जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं एटोरवास्टेटिन कैल्शियम टैबलेट्स, इसकी जो स्टेज हैं ये चीज़ें मेंशन की गई हैं, डेट ऑफ कमेंसमेंट क्या है और किस डेट में उस स्टेज का कंप्लीशन हुआ, और चेक्ड बाय साइन विद डेट होता है। सो फ्रेंड्स, कुछ इस तरीके से होता है। अब इसके बाद जो BMR में नेक्स्ट पेज होता है वो कंटेंट्स का होता है, सीरियल नंबर, टाइटल व पेज नंबर के साथ किस पेज पे कौन सा कंटेंट मेंशन किया गया है, कौन सा बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड प्रोसेस लिखा गया है, लिस्ट ऑफ ऑल पर्सनल इन्वॉल्व ड्यूरिंग बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड, जैसा कि 3 नंबर पेज पे है, बिल ऑफ मटेरियल, कैलकुलेशन वगैरह, कौन सा कितना मटेरियल उस बैच में लगेगा, उसकी कैलकुलेशन क्या है, क्या एक्सीपिएंट लगेंगे, जनरल इंस्ट्रक्शंस, कैलकुलेशन, लाइन क्लियरेंस फॉर डिस्पेंसिंग रॉ मटेरियल, डिस्पेंसिंग ऑफ सॉलिड रॉ मटेरियल एक्सीपिएंट, ग्रेनुलेशन स्टेज, कंप्रेशन स्टेज, डिस्पेंसिंग कोटिंग मटेरियल, डिस्पेंसिंग कोटिंग स्टेज, कोटिंग, इंस्पेक्शन, डिविएशन, इंसिडेंस, NCR डिटेल, रिवीजन हिस्ट्री। तो ये टोटल BMR के टाइटल हैं, और टोटल कौन सा किस पेज पे देखिए, जैसे 94 पेज का BMR है। तो ये सारी चीज़ें, ये कंटेंट्स जो है इस पूरे बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड में मेंशन की गई हैं। सो कोई भी BMR जो प्रिपेयर किया जाता है वो BMR जो है कुछ इसी तरीके से प्रिपेयर किया जाता है। BMR बनाना बहुत ही सिंपल है। फर्स्ट ऑफ ऑल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे बॉर्डर बनाएंगे, बॉर्डर बनाने के बाद हेडर फुटर सेट करेंगे, पेज नंबर सेट करना है तो सेट कर सकते हैं वैसे ही हेडर फुटर से, या फिर मैनुअल भी कर सकते हैं अलग से अगर टेबल देके करना है, जैसा कि मैंने कर रखा है। हेडर फुटर सेट करने के बाद उसका बॉडी के फर्स्ट पेज सेट करना है कि क्या क्या उस पे जो अकॉर्डिंग टू SOP मेंशन करना है, और उसके बाद फिर उस बैच मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के क्या क्या स्टेप्स हैं, कौन कौन सी यूटिलिटी यूज होगी, कौन कौन सी फैसिलिटी यूज होगी, क्या क्या कंटेंट्स डालना है उसमें, क्या मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस डालना है, कौन सी फैसिलिटी यूज होगी, कौन से इक्विपमेंट यूज होंगे, वो सारी चीज़ें मेंशन करनी होती है। कुछ इसी तरीके से BMR बनाया जाता है। फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कैसा लगा आप लोगों को ये वीडियो ज़रूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।